हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, ये चैप्टर टू है, इसमें हम आपको गुणा के बारे में बता रहे हैं, है ना। इसमें हम गुणा में क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, कैसे करते हैं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है जी, देखिए गुना इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई। इसका चिन्ह ये होता है क्रॉस का, ऐसे क्रॉस बना दो जैसे इंग्लिश में एक्स बनाते हैं ना, यही वाला जो सिंबल है यही मल्टीप्लाई का चिन्ह है। जहां भी आपको ये दिखाई दे सोच लो आपको गुना करना है। अब गुना क्या होती है ये समझे, जब दो संख्याओं को गुना करते हैं तो इसका मतलब होता है पहली संख्या को उतनी बार जोड़ना जिससे हम उसे गुना करते हैं, यानी कि जो ऊपर वाली डिजिट है उसे हम उतनी बार जोड़ेंगे जिससे हम उसे गुना कर रहे हैं। जैसे 4 × 3, तो हम 4 को 3 टाइम ऐड करते हैं, है ना। तो 4 + 4 + 4 तो क्या आंसर आ गया। वेल एड आपने पहले सीख लिए। तो मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई एक प्लस के क्वेश्चन है ना, यानी कि जोड़ के क्वेश्चन है। यहां हम 4 को 3 से गुना करते हैं तो 4, देखो 4 × 3 = 12, यो इसका आंसर आएगा, इन्हें ऐड करा ये आंसर आएगा, तो दोनों का आंसर एक आया। तो मल्टीप्लाई और जो प्लस होते हैं दोनों एक ही होते हैं। 4 को 3 बार जोड़ते हैं, या हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो पहले इधर 4 था, इधर 3 था, तो हमने क्या करा, 3 को इधर कर दिया, 4 को इधर कर दिया। तो अब हम 3 को 4 टाइम ऐड करेंगे। देखो 3 को 4 टाइम कर दिया, 3 3 6 और 3 9 और 3 कितने हो गए 12, तो आंसर फिर भी 12 ही आया, है ना। तो इसका मतलब है कि गुना में संख्या का स्थान बदलने से उसके उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप ऐसे लिख लो 3 × 2 है या 2 × 3 लिख लो, आंसर फिर भी एक ही आएगा। आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई क्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 12 × 2 = 24 और 2 × 12 = 24, आंसर वही आया जो आना था। जोड़ के बड़े रूप को ही गुना कहते हैं, जब हम जोड़ते हैं और उसका जो बड़ा रूप होता है उसे हम गुना कहते हैं। गुना करते समय बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं और छोटी से गुना करते हैं जो छोटी होती है। वैसे तो हमने आपको बताया कोई ऊपर की नीचे चली जाए, नीचे की ऊपर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर हमें उसे जल्दी करना है क्वेश्चन को, तो हम बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, छोटी को नीचे लिखेंगे, ठीक है। छोटी से गुना करते हैं, जिस अंक से गुना करते हैं उसका पाड़ा उतनी बार, पाड़ा यानी के टेबल उतनी ही बार पढ़ते हैं जितना अंक ऊपर लिखा होता है, ठीक है। जैसे ये 2 है और ऊपर 3 लिख रहा, तो 2 × 3 = 6 ऐसा। इकाई की ओर से शुरू करते हैं भाई, सभी जो ऐड भी हम इकाई की ओर से ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी हम इकाई की ओर से करेंगे और मल्टीप्लाई भी हम इकाई की ओर से ही करते हैं, ध्यान रखते हैं शुरुआत उधर से ही होगी। करते हैं गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसके इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या कैरी कहलाती है, यानी कि उधार कहलाती है ना। कैरी को अगले अंक से गुना करने के बाद उसमें जोड़ देते हैं। जो पहले जैसा हमने देखो, हम अभी बताएंगे आपको, इसे जोड़ देते हैं, पहले आप ये समझ लो, है ना। तो देखिए ये हमने एक डिजिट ली, तो ये 3 है, इसका टेबल हमें 5 टाइम पढ़ना, तो 3 × 5 = 15, क्या आ गया, ये 15 आ गया। तो 15 का 5 तो यानी कि इकाई का अंक तो यहां लिखेंगे वंश पर जो भी डिजिट होगी,
और जो बच गई संख्या, हमारी जो संख्या बच गई उसे हम कैरी के लिए अगले वाले डिजिट पर लिखते हैं, ठीक है जी। अब थ्री का टेबल हमने इस पर पढ़ा, थ्री वन जा थ्री, अब पढ़ने के बाद तब इसे जोड़ेंगे, और थ्री में वन जोड़ दिया फोर, ठीक है जी, और थ्री टू जा सिक्स। तो देखो लिखा था ना, कैरी को अगले अंक पर जोड़ते हैं, यानी पहले गुना करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं इसे, और फिर यहां लिख देते हैं। अगर डबल हो जाए, अगर यहाँ 14 हो जाता तो हम इसका कैरी इसमें जोड़ देते, ऐसे ही हर बार करते हुए चले जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जिस संख्या को हम गुना करते हैं उसे हम गुणनीय कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनीय, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट, जिसे गुना की जाती है, और जिससे गुना करते हैं, जैसा थ्री है, थ्री से हम गुना कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं गुणक, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणक, और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में, यानी कि गुना करने के बाद में जो उत्तर आता है उसे कहते हैं गुणनफल। भाई ये फल प्राप्त हुआ आपको गुना करने के बाद, है ना, तो इसे हम कहेंगे गुणनफल, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है कि यह सब आपको पता होना चाहिए, ताकि हम इनके आगे चल के रिलेशन को समझ सकें, इनमें आपस में क्या संबंध है, गुणक, गुण्य, गुणक और गुणनफल में क्या संबंध है, अगली वीडियो में बताएंगे। तो इन्हें ये आपको पता होने चाहिए। देखिए गुण्य, गुण्य क्या है, यानी कि मल्टीप्लिकेंट, जिस संख्या को गुना करते हैं उसे गुण्य, वह संख्या गुना गुण्य कहलाती है ना, तो वह संख्या गुण्य कहलाती है जिसे मल्टीप्लाई करता है, जिसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है जी। अब गुणक, गुणक क्या है, गुणक को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर, जिससे गुना करते हैं उसे गुणक कहा जाता है, गुणनफल, गुणनफल को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, गुना करने पर जो उत्तर मिलता है उसे गुणनफल कहते हैं, है ना। तो ये तो इसके बारे में बात होगी, अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं गुना करने में वो देख लेते हैं। इसकी किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुना करें तो उत्तर हमेशा जीरो ही आएगा, जैसे 12 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, 9480 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, 98 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी संख्या है अगर वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर जीरो ही आएगा। किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर उत्तर हमेशा वही संख्या आती है जिसे एक से गुना करते हैं। अगर कोई भी डिजिट आपको दे दी, कह दे भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बिना सोचे समझे वही आंसर लेगी, वही संख्या लिख दो आंसर में जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, यानी कि गुना कर रहे, ठीक है। जैसे 7 के 1 में मल्टीप्लाई करी, 7 1 7, यानी कि 7 इकन 7, 18 के हम 1 में मल्टीप्लाई करें, 18 1 18, भाई 352 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे, 352 1 जा 352, देखो आ नहीं रहा ही। अब हमने 98751 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो यही आंसर आओगा, यही संख्या। तो कोई भी हो, ये आपको आ जाने चाहिए दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए, आज के बाद आपको दो क्वेश्चन करने की कभी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक तो जीरो वाला चाहिए, किसी भी क्लास का हो, कोई भी क्लास है आपकी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, और किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर वही डिजिट आएगी। तो ये क्वेश्चन दो खत्म हो जाने चाहिए, कभी सीखने की आवश्यकता ना पड़े। यदि किसी संख्या को 1 और 0 से गुना करते हैं, 1 0 का मतलब क्या है, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख,
इनसे मल्टीप्लाई करते हैं है? तो एक क्या आ गया, जितनी जीरो होंगी वे सभी उस संख्या के आगे लगा देते हैं और हो गई मल्टीप्लाई। जैसे 5 को मल्टीप्लाई हम 10 से कर रहे हैं, तो 5 का आगे हम जो 1 का आगे जीरो है वो उतनी जीरो लगा देंगे, तो 5 का आगे हमने एक जीरो लगा दी, आ गया आंसर। 25 को 100 से कर रहे हैं, तो हम 25 का आगे कितनी जीरो है, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब 315 को 1000 से कर रहे हैं, तो 315 के आगे कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। 6 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे, कितनी जीरो था, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट आप जिस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस 1 के आगे जितनी भी जीरो है उतनी उस डिजिट के सामने लिख दो, तो आपका सवाल हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इन्हें भी आगे कभी समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, किसी भी क्लास में क्वेश्चन आ सकते हैं और सभी क्लास में इसी तरीके से होंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास में दूसरे तरीके से हो रहे या थर्ड में दूसरे तरीके से हो रहे, फिफ्थ में अलग तरीके से हो रहे है ना, तो ये इसी तरीके से होंगे। अब हम ये वीडियो तो यहीं पे खत्म कर रहे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें देखिए अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करनी है तो हमें टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल कब याद होंगे, जब हम टेबल को लिख लेंगे और लिख के उसे पढ़ लेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल को लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब है टेबल बनाने सिखाएंगे, और टेबल बनाने के बाद में उसके बाद ही तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई भी मल्टीप्लाई हो बिना टेबल याद करे कभी नहीं आने की। तो हम आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग टेबल याद करा अच्छी तरह भूल गए, तो हम इसलिए आपको टेबल बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट में, और उससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको इसे मल्टीप्लाई करनी बताएंगे हर तरह की जो भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।